Hello everyone, so today we'll talk about two products. First is Mindpiece and second is Mood Drive. Firstly, we'll talk about Mindpiece. Its composition is melatonin 3 mg tablets. MRP is 75 per strip and its packing is 10x10 blister. Now we'll talk about its class of drugs. So it is a hypnotic drug and it belongs to class acetamides. Now we'll talk about its indication. कौन से indication में हम melatonin prescribe करते हैं? So basically ये sleep induce करने के लिए हम देते हैं. जो sleep disorder होते हैं like delayed sleep phase syndrome, उस case में हम इसको use करते हैं. And insomnia के case में, elderly patients में insomnia का problem रहता है, उस case में. And जो neuropsychiatric disorder, patient with neuropsychiatric disorder है, उनमें sleep disturbance रहती है. तो जैसे डेमेंशिया के केस में, एनजाइटी डिप्रेशन के केस में, अल्जाइमर डिजीज़ के केस में, एपिलेप्सी के केस में, इन पेशेंट्स में स्लीप डिस्टर्बेंस रहती है, उनको प्रॉपरली नींद नहीं आती, तो ये मेलाटोनिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ये मेलाटोनिन कैसे वर्क करता है? सो बेसिकली जो मेलाटोनिन है, इट इज़ अ नेचुरल हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पीनियल ग्लैंड. ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होती है, वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन. इसका जो लेवल है डार्कनेस में इंक्रीज़ हो जाता है. डे जो नाइट टाइम में मेलाटोनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा एंड डे टाइम में डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती दिन के टाइम पे. जब जिन पेशेंट्स में मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाता है, उनमें स्लीप प्रॉब्लम रहती है, वो स्लीप उनमें नींद नहीं आती उनको प्रॉपरली, तो हम मेलाटोनिन प्रिस्क्राइब करते हैं. सो इट वर्क्स बाय केमिकली कॉजिंग ड्रॉजीनेस. केमिकली ड्रॉजीनेस कॉज करेगा एंड बॉडी टेम्परेचर को लो करके जो स्लीप है उसको इंड्यूस करता है. नाउ विल टॉक अबाउट इट्स डोजेज. तो इट्स की जो डोज रहती है, 1 tablet वंस इन अ डे फॉर 5 days. इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन बॉटल पैक, 60 tablets इन अ बॉटल एंड MRP इज 450. नाउ विल टॉक अबाउट आर सेकेंड प्रोडक्ट विच इज़ मूड ड्राइव एंड इट कम्स इन 2 strengths, 100 mg एंड 200 mg. फर्स्टली विल टॉक अबाउट मूड ड्राइव 100. इट्स कॉम्पोजिशन इज मूडाफिनिल 100 mg टैबलेट्स. MRP इज 145 per strip and its packing is 10x10 LULU. Now we'll talk about its class of drug. So it is a wakefulness promoting agent. And its indication is, इसको firstly हम necrolepsy के case में देते हैं. It is a condition which cause excessive daytime sleepiness. डे टाइम पे जो लोग, जिनको नींद आती है, उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं उनको अवेक रखने के लिए. एंड सेकेंड इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फिर हाइपोपनिया सिंड्रोम बोलते हैं. इट इज़ अ स्लीप डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट्स ब्रीफली स्टॉप्स ब्रीदिंग और ब्रीथ्स शैलोली मैनी टाइम्स ड्यूरिंग स्लीप, जिसकी वजह से वो उनको इनफ रेस्टफुल स्लीप नहीं ले पाते, उस केस में हम यूज़ करते हैं. एंड थर्डली इसको हम देते हैं शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर्स. जो लोग रोटेटिंग शिफ्ट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनको उनके जो वर्किंग आवर्स में अवेक रखने के लिए हम ये देते हैं एंड उनके जो स्लीपिंग आवर्स में उनको स्लीप इंड्यूस करने के लिए. नाउ विल टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये वर्क करता है. सो बेसिकली मूडाफिनिल क्या करेगा, ये डोपामिन रिसेप्टर्स पे वर्क करता है. डोपामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके जो डोपामिन का रीअपटेक हो रहा है उसको इनहिबिट कर देगा, बिकॉज जो डोपामिन है वो कंट्रोल करता है स्लीप एंड वेकफुलनेस को करता है. जब डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो पर्सन अवेक रहता है. बिकॉज क्या होता है, डोपामिन का लेवल इंक्रीज होगा तो ब्रेन वो बॉडी को सिग्नल देता है वेकअप का एंड जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसके लेवल को ये कम कर देता है. नाउ विल टॉक अबाउट इट्स डोजेज. सो इसकी जो डोज रहती है 200 mg वंस इन अ डे एंड सेकेंड इज मूड ड्राइव 200. इट्स कॉम्पोजिशन इज मूडाफिनिल 200 mg टैबलेट्स. MRP इज 220 per strip एंड पैकिंग इज 10x10 LULU. थैंक यू.